एक बार एक तहसीलदार साईं बाबा के दर्शन करने के लिए सीढ़ी आए थे। उनके साथ एक डॉक्टर जो उनके मित्र थे वे भी आए थे। डॉक्टर राम भट्ट और जाति से ब्राह्मण थे। वे राम के अतिरिक्त और किसी को ना मानते और ना ही पूछते थे। वे अपने तहसीलदार दोस्त के साथ एक शर्त पे आए थे कि सीढ़ी में ना ही साईं बाबा के वे चरण छुएंगे और ना ही उनके आगे सिर झुकाएंगे, और उनका दोस्त इस बात के लिए उन्हें मजबूर नहीं करेगा क्योंकि बाबा युवन मुसलमान है और वे श्री राम भट्ट के अलावा किसी के आगे सिर नहीं झुकाते। शिरडी पहुंचकर जब दोनों साईं बाबा के दर्शन करने के लिए मस्जिद गए तो तहसीलदार से पहले उनके मित्र आगे गए और बाबा के चरणों में गिरकर वंदना करने लगे। ये देखकर तहसीलदार को बड़ा आश्चर्य हुआ। अन्य सब उपस्थित लोग भी अचरज में डूब गए। कुछ देर बाद जब उन्होंने डॉक्टर से इस बारे में पूछा कि आपने अपना इरादा कैसे बदल लिया, तब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि बाबा के स्थान पर उन्हें उनके इष्ट श्री रामचंद्र जी खड़े दिखाई दिए और उनकी मोहित सूरत देखकर मैं तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। जब वो ऐसा कह रहे थे तो उस समय साईं बाबा खड़े मुस्कुरा रहे थे। साईं बाबा को खड़े देखकर डॉक्टर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, कहीं वो सपने तो नहीं देख रहा। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और बोले कि साईं बाबा को मुसलमान कहना मेरी बहुत बड़ी भूल थी। बाबा तो पूर्ण रूप से योग अवतार हैं। अगले दिन उन्होंने उपवास करना शुरू कर दिया और प्रण लिया कि जब तक बाबा स्वयं मस्जिद बुला के आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक मैं मस्जिद नहीं जाऊँगा। उन्होंने प्रण लिए। 3 दिन बीत गए और 4th दिन उनका दोस्त उनसे मिलने आया। डॉक्टर साहब अपने मित्र से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। अपने मित्र के साथ जब डॉक्टर मस्जिद गए, जब डॉक्टर बाबा के चरणों में गिरकर वंदना करने लगे तो बाबा ने कहा, तुम तो मस्जिद नहीं आने वाले थे, फिर आज कैसे आ गए। बाबा के वचनों को सुनकर डॉक्टर को अपना प्रण याद आ गया और उनका हृदय द्रवित हो गया, आँखों में आंसू आ गए। उसी रात साईं बाबा ने डॉक्टर पर अपनी कृपा दृष्टि की तो सोते हुए उन्हें परमा आनंद की अनुभूति हुई और वो 15 दिनों के लिए आनंद में डूब गए। उसके बाद वो साईं बाबा की भक्ति में रंग में रंग गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर आपके अंदर सच्ची भक्ति है और सच्ची निष्ठा है तो ईश्वर आपको किसी न किसी रूप में जरूर दर्शन देंगे। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो और लगा हो कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे YouTube चैनल को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह यूजफुल कंटेंट हम प्रतिदिन आपके लिए बनाते रहते हैं। जय श्री राम।